नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विषय में, यानी यूपी टेट के विषय में। आपको हाल ही में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से मालूम पड़ा होगा कि यूपी टेट की जो वैलिडिटी है अब ये जीवन भर के लिए होने वाली है, यानी कि एक बार परीक्षा पास करने के बाद आपको दोबारा फिर से इस परीक्षा में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस अराउंड आप सभी ने रवि सर के माध्यम से सुना होगा कि यूपी टेट की परीक्षा के लिए आवेदन या परीक्षा तिथि की संभावित जो डेट है कब तक आने वाली है। और अगर हम बात करें तो आज हम जनरल साइंस की बात करेंगे यूपी टेट के परिप्रेक्ष्य में। आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर की यूपी टेट की परीक्षा में जनरल साइंस से लगभग जो है 10 प्रश्न आए हुए थे, 10 या 12 प्रश्न आए थे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, और वो भी ऐसे ऐसे प्रश्न थे जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज की हमारी जो कक्षा होगी वह यूपी टेट के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान की होगी, और आज हम बात करेंगे विज्ञान में एक ऐसे कंटेंट की, एक ऐसे टॉपिक की जिसको हम लोग अभी तक केवल रट करके याद करते हैं और हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते। तो हमारी आज की क्लास पूर्ण रूप से अनुप्रयोग पर आधारित है और हम बताएंगे आप सभी को कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। हम लोग पृष्ठ तनाव के बारे में केवल इसको रट करके याद करते हैं और कहीं ना कहीं पृष्ठ तनाव से जितने भी अनुप्रयोग परीक्षा में आते हैं वो सारे अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन से संबंधित रहते हैं, लेकिन उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उन पर हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जो परीक्षा बोर्ड है वो बहुत अच्छे से ध्यान देता है और यही से प्रश्न हमारे बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि अगर हम लोग केवल पानी से कपड़े धुलते हैं तो पानी हमारा, जो कपड़ा हमारा साफ नहीं हो पाता, लेकिन जैसे ही साबुन लगाते हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, या जब भी हम गर्म चाय पीते हैं तो गर्म चाय स्वादिष्ट होती है लेकिन ठंडी चाय बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होती। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है, ठंडा सूप स्वादिष्ट नहीं होता। इन सब के पीछे क्या कारण है? तो आज हम बात करेंगे आप सभी से जनरल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इसको अब तक हम याद करते थे लेकिन आज इसको मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि जीवन भर में कभी आप भूल नहीं पाएंगे कि पृष्ठ तनाव आखिर क्या होता है। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। वैसे हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में क्या कहते हैं कि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। हम कहते हैं कि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है और कम से कम स्थान घेरने की प्रवृत्ति रखता है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ के इसी तनाव को, इसी टेंशन को सरफेस टेंशन कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, यानी परिभाषा में तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो द्रव होता है उसका जो सरफेस एरिया है स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है और कम से कम स्थान घेरने की प्रवृत्ति रखता है, कम से कम एरिया कवर करता है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ के इसी तनाव को पृष्ठ तनाव कहा गया है। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली में पृष्ठ तनाव होता क्यों है और कैसे होता है। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने एक ग्लास लिया, और इस ग्लास में मैंने जल को रख दिया। ठीक है ना, तो एक ग्लास मैंने लिया और इस ग्लास में क्या है, जल भरा हुआ है, और इसमें जो जल है इस जल के अणुओं से मेरी बातचीत होती है। जो जल इस ग्लास में भरा हुआ है इस जल के अणुओं से मेरी बातचीत होती है, जल के अणु की भाषा को मैं समझता हूं और जल के अणु मेरी भाषा को समझते हैं, है ना। देखिए क्या लिया मैंने, जल लिया है एक ग्लास, और इन जल के अणुओं से मेरी बातचीत होती है। ठीक है, तो मैंने पूछा जल के इस बीच वाले अणु से
जो यहां बीच वाला अड़ु है, मैंने इससे पूछा इसका हालचाल कि बताओ भाई जीवन कैसा चल रहा है। तो जब मैंने जल के इस बीच वाले अणु से इसका हालचाल पूछा कि बताओ भाई जीवन कैसा चल रहा है, तो जल का ये जो बीच वाला अणु है ये कहता है कि मैं बड़े मजे में हूं, बहुत संतुलित हूं, मैं बहुत संतुलन में हूं। तो मैंने पूछा आखिर ऐसा क्या है कि भाई तुम बीच में हो तब भी तुम संतुलन में हो। तो इसने कहा कि जब मुझे कोई कुछ समय बाद दाहिनी ओर खींचता है, जब मुझे कुछ समय बाद, थोड़े ही समय के बाद, जब कोई मुझे दाहिनी ओर खींचता है तो कुछ ही समय बाद कोई मुझे बाईं ओर खींच करके संतुलित कर देता है। देखिएगा, बहुत आराम से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, समझ जाओगे, कभी नहीं भूलोगे आप। तो इसने कहा, इस अरुण ने कहा कि जब मुझे कोई दाहिनी ओर खींचता है तो कोई बाईं ओर खींच करके संतुलित कर देता है, और थोड़े ही समय बाद जब मुझे कोई ऊपर की ओर खींचता है तो फिर मुझे कोई नीचे की ओर खींच करके, क्या कहता है, फिर कोई मुझे नीचे की ओर खींच करके संतुलित कर देता है, इसीलिए मैं संतुलन की अवस्था में हूं। तो भाई बीच वाला अणु बिल्कुल मजे में है, अपना जीवन अच्छे से गुजार रहा है। अगर इसको कोई दाहिने खींचता है तो बाएं भी कोई खींच करके संतुलित कर देता है, अगर इसको कोई नीचे खींचता है तो कोई इसको ऊपर भी खींच करके संतुलित कर देता है। अब मैं पहुंचा इस सरफेस एरिया वाले अणु के पास, मैं इसके पास पहुंचता हूं जो सबसे ऊपर है, सतह पर है। तो मैंने इस अणु से पूछा कि भाई जीवन कैसा चल रहा है, तो देखिए इसने क्या कहा। इसने कहा कि मैं बहुत टेंशन में हूं, इस अणु ने कहा कि मैं बहुत टेंशन में हूं। तो मैंने पूछा भाई टेंशन में क्यों है, जो बीच वाला तो बहुत संतुलन में है, तो आप टेंशन में क्यों। इसने कहा कि थोड़े ही समय बाद मुझे कोई दाहिने खींचता है दाहिने ओर, तो मुझे फिर कोई बाईं ओर खींच करके संतुलित कर देता है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद मुझे फिर कोई नीचे की ओर खींचना शुरू कर देता है तो मुझे ऊपर की ओर से कोई नहीं खींचता, इसीलिए मैं तनाव में हूं। तो जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं, तो यहां जो बीच वाला अणु है, इस अणु को नीचे वाले अणु, दाहिने वाले अणु, बाएं वाले अणु, ऊपर वाले अणु एक साथ जोड़े हुए रहते तो संतुलन में रहता है। लेकिन जो यहां ऊपर का अणु है, इसको ऊपर से कोई नहीं जोड़े, यानी कि इसको दाहिने ओर कोई खींचता है तो बाईं ओर कोई खींच लेता है, और नीचे खींचता है तो ऊपर से कोई खींचकर संतुलित नहीं करता, और इसीलिए यह संतुलन की अवस्था में नहीं है, यह तनाव की स्थिति में है। यही जो तनाव है इस जल के सतह पर, इसी तनाव को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर, द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, और कम से कम स्थान घेरने की, कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, और इसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान देना। देखिए होता यह है कि जब पृष्ठ तनाव होता है तो दो स्थितियां बनती हैं इस प्रकार से, या एक स्थिति हो सकती है इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति बन, जैसे क्या होता है ना, एक कोई सीधी रस्सी होती है, सीधी रस्सी को अगर हम खींच दे, अगर इसको नीचे की ओर खींच दे तो ये सीधी रस्सी कैसी हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। उसी प्रकार द्रव के पृष्ठ का तनाव होता है, इसी को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। देखिए अगर जल है तो जल में पृष्ठ तनाव कुछ इस प्रकार से होता है, और पारा में पारा उठा हुआ होता है और जल क्या होता है, नीचे दबा हुआ होता है, उसका भी एक कारण होता है। दोस्तों यहां देखिए हम पढ़ते हैं सा संजक बल और असंजक बल, सा संजक बल और असंजक बल, ये दो बल हम पढ़ते हैं, ठीक है। सा संजक बल क्या होता है, किन्हीं दो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल सा संजक बल है। जैसे पानी और पानी के बीच
अगर कोई बल लग रहा है तो वह ससंजक बल है। यह संतुलन में क्यों है? क्योंकि अन्य अणु इसको ससंजक बल के कारण जोड़े हुए हैं। अब असंजक बल क्यों होता है, क्या होता है? दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल, दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल या दो असमान पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल असंजक बल कहलाता है। अब ये असंजक बल दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर असंजक बल का मान अधिक है, तभी तो ये जो द्रव है ये द्रव इस सतह को भिगोता है और इसीलिए यह स्थिति बनी हुई है। यहां देखिए, यहां पर ससंजक बल का मान अधिक है असंजक बल से, इसलिए यहां पर यह स्थिति बनी है और यह द्रव जल को भिगाता नहीं, यह पारा है और यह दोस्तों क्या होता है, जल होता है। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। बस सतह का तनाव, सतह का तनाव ही क्या है, पृष्ठ तनाव है। आप कल्पना कीजिए, कोई खींची हुई रस्सी होती है, सीधी रस्सी है, अगर उसको हम खींच दे नीचे की ओर तो उसमें ऐसी स्थिति बन जाती है, इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, यही स्थिति क्या है, पृष्ठ तनाव कहलाती है। अब पृष्ठ तनाव से कुछ अनुप्रयोग हमारी परीक्षा में बन जाते हैं। हम बात करेंगे उन अनुप्रयोग की कि कौन कौन से अनुप्रयोग पृष्ठ तनाव से हमारी परीक्षा में आते हैं, क्योंकि ये ऐसे अनुप्रयोग हैं जो डेली लाइफ में हमारे साथ ये घटनाएं घटती हैं लेकिन हम इनको कभी भी नोटिस नहीं करते हैं। अगर हम अनुप्रयोग की बात करें तो देखिए, यहां पर पहला अनुप्रयोग क्या कहता है, पहला अनुप्रयोग कहता है जल की सतह पर, जल की सतह पर कुछ कीट मच्छर तैरते हैं। हम देखते हैं कि जल की सतह पर कुछ कीट तैरते हैं, जैसे मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव के अणु होते हैं उनमें आकर्षण बढ़ जाता है, यानी वो बहुत ही पास पास चले आते हैं, उनमें आकर्षण इतना अधिक होता है कि एक पतली झिल्ली का निर्माण हो जाता है जल की सतह पर। इतना तनाव होता है कि जल की सतह पर एक पतली झिल्ली का निर्माण हो जाता है। तो अधिक पृष्ठ तनाव के कारण ही जो मच्छर के लार्वा है इनका वजन बहुत घट जाता है, हालांकि इनका वजन तो उतना ही रहता है लेकिन ये झिल्ली उनके वजन को सह लेती है, इसलिए मच्छर के लार्वा एवं अन्य कीट इस जल की सतह पर क्या होता है, तैरते रहते हैं। अगर हम आगे बात करें तो आगे देखिए और भी अनुप्रयोग बन जाते हैं परीक्षा में, जैसे वर्षा की बूंद, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, यह भी अनुप्रयोग है पृष्ठ तनाव का। तो वर्षा की बूंद आखिर गोलाकार क्यों होती है, देखिए। अब यहां जो बीच का अणु होता है वो अन्य अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, इसी कारण से यही कारण है कि जल की बूंदों को केवल एक ही आकार सेव कर सकता है, वो आकार कौन सा है, गोलाकार। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार इसलिए होती क्योंकि जो बीच वाले अणु है वो अन्य अणुओं को अपनी ओर खींचते हैं, संतुलन में लाते हैं और इसीलिए वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। यह अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में यह आपसे पूछे गए हैं। अब आपने देखा होगा गीले शेविंग ब्रश, जो गीला शेविंग ब्रश होता है, गीले शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो आप कहेंगे पृष्ठ तनाव के कारण। एक्चुअली यहां वहां पर क्या होता है, जब शेविंग ब्रश जल में नहीं डुबाते तो उसके बालों के बीच क्या होता है, स्पेस होता है, तो वह बिल्कुल खुला और अकेले होता है, लेकिन जैसे उसको हम जल में डुबोते हैं जल के अणु दूसरे अणु को ससंजक बल के कारण आकर्षित करते हैं,
जिससे उन जल के अणुओं के आकर्षण के साथ साथ जो ब्रश के बाल होते हैं वह भी जल के अणुओं के साथ चिपक जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो शेविंग ब्रश होता है उसके बाल भिगोने के बाद आपस में चिपक जाते हैं। यह भी पूछ सकता है आपसे परीक्षा में दोस्तों। अब यहां अगला अनुप्रयोग देखिए कि पारे की छोटी बूंद गोल तथा बड़ी बूंद चपटी होती है। जो पारा होता है, पारे की जो छोटी बूंदें होती हैं वो गोल होती है और बड़ी बूंदें कैसी होती, चपटी होती। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जो बूंदें छोटी होती हैं पारे की उसमें पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम होती है, वहां गुरुत्वाकर्षण कम होता है। और जैसे ये पारे की बूंद बड़ी बनेगी यहां क्या होगा, यहां पृष्ठ तनाव घट जाएगा क्योंकि यहां पर ग्रेविटी अधिक लगती है। बूंद जब बड़ी होती है तो ग्रेविटी अधिक लगती है और पृष्ठ तनाव ग्रेविटी अधिक होने के कारण घट जाता है, तो पारे की बूंदें कैसी होती है, चपटी हो जाती है। अब पृष्ठ तनाव दो चीजों पर निर्भर करता है, दो कारकों पर निर्भर करता है, तापमान और अशुद्धियां। तो पृष्ठ तनाव को दो कारक प्रभावित कर सकते हैं, देखते हैं वो कारक कौन कौन से हैं। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, तो पृष्ठ तनाव को दो कारक प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला कारक है तापमान और दूसरा कारक क्या होता है, अशुद्धियां। तो दोनों ये पृष्ठ तनाव को प्रभावित करते हैं। जितना भी प्रश्न यहां से आएगा रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो तापमान और अशुद्धियां दोनों प्रभावित करते हैं पृष्ठ तनाव को। अगर हम तापमान की बात करें तो जब हम तापमान बढ़ाते हैं या चीजों को गर्म करते हैं तो द्रव के अणु दूर दूर होते हैं। जब द्रव के अणु दूर दूर होंगे तो उनमें आकर्षण बल कम लगता है। जब आकर्षण बल कम लगेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाता है, यानी तापमान के बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। ये हम कह सकते हैं कि जो तापमान होता है, पहला पॉइंट क्या है, तापमान के बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, कम हो जाता है, और तापमान के घटने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यानी जो पृष्ठ तनाव है, जो सरफेस टेंशन है, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तापमान के। अब इसी पर कुछ अनुप्रयोग ऐसे हैं जो परीक्षा में बने हुए हैं, ठीक है ना, कि यहां देखिए जब तापमान को बढ़ाएंगे तो द्रव के जो अणु है उनके अणु में अंतराणविक स्थान बढ़ेगा। जब अंतराणविक स्थान बढ़ेगा तो वो अणु दूर दूर होंगे। जब अणु दूर दूर होंगे द्रव के तो उनके बीच आकर्षण बल कम हो जाएगा, ऐसे में पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। तो देखिए यानी कि पृष्ठ तनाव तापमान के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसी पर कुछ अनुप्रयोग परीक्षा में बनते हैं, जैसे देखिए गर्म सूप स्वादिष्ट होता है ठंडे सूप की अपेक्षा, ठीक है। तो जो गर्म सूप है वो स्वादिष्ट होगा ठंडे सूप की अपेक्षा। गर्म चाय स्वादिष्ट होती है ठंडी चाय की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तापमान अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव कम होता है। यानी जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो जो ये सूप या चाय के जो अणु है वो दूर दूर तक फैले रहेंगे, और जब पृष्ठ तनाव कम होता है
ठीक है, जब तापमान बढ़ेगा यानी जब ये सूप गर्म रहेगा तो तापमान अधिक होगा, जब तापमान अधिक होगा तो यहां देखिए इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम रहेगा, पृष्ठ तनाव कम होगा और ये जो सूप के अणु है ये फैल जाएंगे और फैलकर जीव के सभी हिस्सों पर कवर कर लेंगे। जो सूप के अणु है वो जीव के सभी हिस्से पर फैल जाएंगे, सभी हिस्से पर पहुंच जाएंगे, जिससे कि सूप हमको स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन अगर ठंडे सूप की बात करें तो ठंडे सूप में क्या होता है, तापमान कम होता है जिसके कारण पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। जब पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा तो फिर सूप क्या होगा, सूप जीभ के हर हिस्से पर नहीं पहुंच पाएगा और सब जब सब हिस्से पर नहीं पहुंच पाएगा तो हम सूप का अच्छा स्वाद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, जो गर्म सूप होता है उसमें पृष्ठ तनाव कम होता है इसलिए वह जीभ के हर हिस्से में पहुंच करके स्वाद देता है, लेकिन ठंडा सूप जीभ के हर हिस्से पर नहीं पहुंच पाता जिससे हमको स्वादिष्ट वो नहीं लगता है। और फिर देखिए यहां से जो गर्म पानी होता है, अगर हम गर्म पानी से कपड़े धुले तो ठंडे पानी की अपेक्षा जो गर्म पानी है वो मैल अच्छे से निकाल सकता है, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है। गर्म जल ठंडे जल की अपेक्षा मैल जल्दी साफ कर देता है, क्वेश्चन आएगा क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्लियर ना, तो क्वेश्चन आएगा क्यों, तो गर्म जल ठंडे जल की अपेक्षा मैल जल्दी से साफ कर देता है, ये तो हमें पता है, हम देखते हैं, हम कपड़ों को गर्म जल में भिगोते हैं तो ये हम जानते हैं, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है या परीक्षा में जो प्रश्न पूछेगा उसका आंसर हम दे नहीं पाते हैं। कहने का मतलब ये है, जब जल गर्म होगा तो गर्म जल में तापमान ज्यादा होगा और तापमान जब अधिक होगा भाई तो तापमान जब अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, तापमान कम होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। यहां देखिए तापमान अधिक है गर्म जल का तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा जल का तो जल के अणु फैल जाएंगे और कपड़े के रेशे के भीतर घुस जाएंगे और घुस करके मैल को जल्दी से साफ कर देते हैं। लेकिन ठंडे जल में तापमान कम होने के कारण ठंडे जल का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है जिससे उस पर एक झिल्ली बन जाती है, एक लेयर बन जाती है और जल के अणु आपस में सिकुड़ जाते हैं और वो कपड़ों के रेशे के बीच नहीं पहुंच पाते इसलिए वो अच्छे से मैल को साफ नहीं कर पाते। तो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक था वो था तापमान और दूसरा कारक क्या होता है, दूसरा होता है अशुद्धियां। अगर हम अशुद्धि की बात करें, अशुद्धियां तो अशुद्धियां भी पृष्ठ तनाव को प्रभावित करती हैं। अगर हम लोग अशुद्धियों को अधिक कर दें तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, लेकिन अगर अशुद्धि कम है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों वो अशुद्धियों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, अशुद्धियों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जब मैं आपको अनुप्रयोग बताऊंगा तो आप चीजों को बहुत आसानी से समझ लेंगे। यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि पृष्ठ तनाव व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अशुद्धि के। तो ये अशुद्धि के भी इनवर्सली प्रोपोर्शन ही होता है, अगर अशुद्धियां बढ़ा दे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा, अगर अशुद्धियां घटा दे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो पृष्ठ तनाव होता है वो अशुद्धियों के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिस प्रकार से तापमान के व्युत्क्रमानुपाती था, ठीक है। अगर अशुद्धि मिला देंगे हम जल में, द्रव में, तो द्रव के अणु के बीच का जो स्थान है, जो रिक्त स्थान है अणुओं के बीच का, वो बढ़ जाएगा।
जब अणुओं के बीच का रिक्त स्थान बढ़ जाएगा तो आकर्षण बल घट जाएगा, जिससे कि पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। यहां अगर मैं आपको अनुप्रयोग बताऊंगा तो हो सकता है आप चीजों को आसानी से समझ पाए। दोस्तों होता यह है कि अनुप्रयोग ऐसे ही पूछता है लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाते। रोज की दैनिक जीवन में हमारे ये सभी घटनाएं घटती हैं लेकिन हम उनको कभी नोटिस नहीं करते हैं। अगर इनको सही से नोटिस करेंगे तो फिर समस्या नहीं होगी। देखिए, और हाँ दोस्तों, यूपी टेट की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है और बता दूं मैं आप सभी को, कोई परीक्षा आसान नहीं होती है। जो भी लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो छात्र हैं, छात्राएं हैं, या फिर वो हाउसवाइफ है, या फिर जॉब करने वाले कोई व्यक्ति हैं, बता दूं मैं आप सभी को कि कोई परीक्षा आसान नहीं होती। अगर आपको कोई कहता है कि इसमें मैथ है, साइकोलॉजी है, बहुत टफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही मन से, दृढ़ संकल्प लेकर के, सही संस्थान में, सही अध्यापकों के माध्यम से पढ़ेंगे तो परीक्षा आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। और आपको पता हो गया है कि जो यूपी टेट की परीक्षा है या सी टेट की परीक्षा है, इसमें जो इसकी वैधता है वो आजीवन कर दी गई है, तो इसलिए एक बार ही पढ़िए, अच्छे संस्थान में पढ़िए और अच्छे नंबर से इसको आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहां बात करेंगे हम पृष्ठ तनाव की, कि ये पृष्ठ तनाव क्या होता है। अशुद्धियों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे देखिए, साबुन मिलाया जल कपड़े शीघ्र साफ कर देता है, कर देता है साधारण जल की अपेक्षा, साधारण जल की अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो जैसे ही हम जल में साबुन मिलाते हैं तो इससे क्या होता है, उस जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। पहले क्या होता है दोस्तों, साधारण जल में पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है इसलिए वह कपड़े के अंदर मैल को साफ नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, उसमें अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया, साबुन। ये क्या है, अशुद्धि। हमने क्या किया, उसमें अशुद्धि के रूप में साबुन मिलाया, और जैसे ही हमने साबुन मिलाया तो उस जल के ऊपर जो पृष्ठ तनाव की झिल्ली थी वो टूट गई, खत्म हो गई, और अब वह जल कपड़े के रेशे के कोने कोने में जाकर के मैल को जल्दी से साफ कर देता है। तो अशुद्धि मिलाने पर भी क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। या देखिए, पानी में मिट्टी का तेल डालने पर, मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर के लार्वा डूब जाते हैं, मच्छर के लार्वा क्या होते हैं, डूब जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए जो मिट्टी का तेल है वो पृष्ठ तनाव को तोड़ने में सबसे ज्यादा कारगर है, ठीक है, अन्य द्रवों की अपेक्षा। अगर हम अन्य फ्यूल की बात करें तो जो केरोसिन होता है, मिट्टी का तेल, वो पृष्ठ तनाव को बहुत तेजी से खत्म करता है। अब जल के ऊपर एक पृष्ठ तनाव की पतली झिल्ली पड़ गई थी, इस झिल्ली पर मच्छर के लार्वा बैठे हुए थे, लेकिन जैसे हमने क्या किया, इस पर मिट्टी का तेल डाला, मिट्टी का तेल डालने पर जो जल के अणु थे वो दूर दूर हो गए तुरंत। भाई जाहिर सी बात है, अब मान लीजिए, अब ये द्रव है, इस द्रव में अगर इन द्रव के अणुओं के बीच कोई और व्यक्ति आ जाएगा तो ये दूर दूर हो जाएंगे ना। यहां जो द्रव है, इस द्रव के अणुओं के बीच अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ गया तो ये क्या होंगे, दूर हट जाएंगे, है ना। तो वही हुआ, तीसरा व्यक्ति क्या है, मिट्टी का तेल। तो जैसे हमने इस द्रव पर मिट्टी का तेल डाला तो वह मिट्टी का तेल द्रव के दो अणुओं के बीच आ गया, जिससे कि उनके बीच क्या होगा दोस्तों, आकर्षण बल कम हो गया और वो दूर दूर फैल गए, पृष्ठ तनाव खत्म हो गया और मच्छर के लार्वा जल में डूब गए, ठीक है ना। तो अशुद्धि मिलाने पर भी पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। अगर हम अगले अनुप्रयोग की बात करें तो आगे पूछता है दोस्तों, जो साबुन के बुलबुले होते हैं, साबुन के बुलबुले बड़े होते हैं,
साधारण जल के बुलबुलों की अपेक्षा। साबुन वाले जल के बुलबुले साधारण जल के बुलबुलों से बड़े होते हैं, बुलबुलों से बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? साधारण जल के बुलबुले छोटे होते हैं साबुन वाले जल के बुलबुले से। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम साबुन, क्या अशुद्धि है, जैसे हमने साबुन को पानी में मिलाया, पानी में घोला, तो साबुन जैसे ही पानी में पहुंचता है वह जल के अणुओं के बीच पहुंच जाता है, और जल के अणुओं के बीच पहुंचने के बाद दो जल के दो अणुओं के बीच का जो स्थान वो बढ़ जाता है, वो अणु क्या होते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं। जब अणु दूर दूर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात जो इसमें बुलबुला बनेगा वो अणुओं के दूर दूर होने के कारण बड़ा बनता है, और जो जल होता है इसके बुलबुले क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि इनमें पृष्ठतनाव अधिक होता है और इसके अणु बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, पृष्ठतनाव अधिक होता है। तो ये सारे अनुप्रयोग बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और अब दोस्तों इसी के बाद हम बात करने वाले हैं एक छोटे से और पॉइंट के बारे में। आइए हम बात करते हैं एक और घटना के बारे में जिसको हम केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व यानी कि कैपिलरी एक्शन। केशिकत्व एक ऐसी घटना है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन होती रहती है, लेकिन हम कभी इस पर गौर नहीं करते दोस्तों। तो कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन है क्या? तो हम कहते हैं कि किसी भी केश नली में द्रव का स्वतः ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, किसी भी केश नली में द्रव का स्वतः ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना केशिकत्व कहलाता है। दरअसल केशिकत्व में भी असंजक बल और ससंजक बल प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं। अगर द्रव कांच की सतह को भिगोएगा, क्लियर क्या हो रहा दोस्तों, यहां देखिए आप लोग, अगर कोई द्रव कांच की सतह को भिगोएगा, यदि द्रव कांच की सतह को भिगोएगा तो द्रव ऊपर चढ़ेगा। यदि द्रव कांच की सतह को नहीं भिगोएगा तो द्रव नीचे उतरेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, नीचे उतरेगा। तो यदि द्रव क्या कर रहा है, उस केश नली की सतह को भिगो देगा तो वह क्या होगा, अपने आप ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। अगर उस केश नली की सतह को नहीं भिगो पाएगा तो नीचे उतरना शुरू कर देगा। यानी पारा क्या करता है, पारा हमेशा केश नली में ऊपर की ओर चढ़ता है, सॉरी जो पारा होता है, पारा हमेशा केश नली में नीचे की ओर उतरता है और जल सदैव केश नली में ऊपर की ओर चढ़ता है। आखिर इसका नाम केश नली ही क्यों पड़ा, इसका नाम केशिकत्व ही क्यों पड़ा? देखिए दोस्तों, केशिकत्व इसलिए क्योंकि जो केश नलियां होती हैं वो हमारे बालों के समान होती हैं। हमारे बाल जितने पतले पतले होते हैं, हमारे बालों का व्यास जितना कम होता है, जितना पतला होता है, इन्हीं बालों के समान बहुत सी नलियां होती हैं जिनका व्यास बहुत ही कम होता है। हम कह सकते हैं कि इनका व्यास 10^-6 मीटर होता है, बहुत ही कम व्यास की नलियां होती हैं, और इन्हीं नलियों में केशिकत्व की घटना होती है। अब हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी जगह पर केशिकी घटनाएं होती हैं, कुछ केशिकी घटनाओं पर हम लोग गौर करते हैं, कुछ को हम देख पाते हैं, कुछ को हम नहीं देख पाते, या बहुत ही कम इसका हम अनुभव कर पाते हैं, लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न पूछता है तो इसको हम रट करके केवल इसका आंसर देते हैं।
तो आज हम बताएंगे आपको आखिर केशिकत्व क्यों होता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी केश नली में द्रव स्वतः ऊपर चढ़ता है या स्वतः नीचे उतरता है तो इस घटना को हम केशिकत्व कहते हैं। तो आखिर ये केशिकत्व है क्या, ठीक है ना। देखिए अगर हम केशिकत्व की केवल बात करें तो मैंने क्या बताया आप सभी को, आप ध्यान दीजिए कि किसी केश नली में, ये कोई केश नली है और इस केश नली में जो द्रव ऊपर की ओर चढ़ता है, इस तरह से देखिए द्रव क्या कर रहा है दोस्तों, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो केश नली में द्रव ऊपर की ओर चढ़ रहा है अपने आप, और एक केश नली और देखिए आप लोग यहां पर, और इस केश नली में हमको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमको देखने को यह मिल रहा है कि द्रव स्वतः क्या होता है, नीचे उतरता है। द्रव स्वतः क्या होता है, नीचे उतरता है, यहां पर आप देखिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। तो द्रव ऊपर कब चढ़ेगा, यहां ये द्रव इस कांच की केश नली को भिगो दे रहा है, इसलिए क्या दोस्तों ये ऊपर चढ़ रहा है। यहां जो द्रव है ये कांच की केश नली को नहीं भिगो पा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये नीचे उतर रहा है, ठीक है ना। तो जब वैज्ञानिकों से पूछा गया कि आखिर ये स्वतः ऊपर चढ़ता है स्वतः नीचे उतरता है ऐसा क्यों है, तो देखिए वैज्ञानिकों ने बताया कि इसके पीछे दो बल होते हैं, सासंजक बल और असंजक बल, ठीक है ना। यहां देखिए यहां असंजक बल का मान अधिक है, इसीलिए यह द्रव कांच को भिगो दे रहा है, यानी दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक बल। तो यहां असंजक बल अधिक है इसलिए क्या कर रहा है, भिगो दे रहा है। यहां जो द्रव के अणु है इसमें सासंजक बल अधिक है, तो ये कांच के बर्तन और द्रव के बीच असंजक बल अधिक है और द्रव के अणु के बीच सासंजक बल अधिक है। यहां देखिए कांच और इस द्रव के बीच सासंजक बल, असंजक बल क्या है, कम है, और यहां देखिए दोस्तों इसमें भी सासंजक बल क्या है, कम होता है। तो हम यहां यही कहेंगे कि ये पारा है और ये क्या है, जल है। तो पारा है तो नीचे उतरेगा, जल है तो क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। तो आखिर ये घटनाएं क्यों होती हैं, कौन सा द्रव ऊपर चढ़ेगा कौन सा द्रव नीचे उतरेगा, ये घटनाएं क्यों होती हैं, देखिए एक्चुअली यहां भी दोस्तों एक कारण होता है। अगर हम बात करें इसकी तो यहां भी देखिए एक कारण है इसका, और द्रव कैसे ऊपर चढ़ता है और कैसे नीचे उतरता है, ठीक है। तो यहां भी इसका देखिए एक कारण होता है, इसके बारे में आपसे हम बातचीत करेंगे। तो कोई द्रव केश नली में ऊपर क्यों चढ़ता है और नीचे क्यों उतरता है, इसको आप सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों। देखिए जैसा कि हम कह सकते हैं कि कोई द्रव केश नली में ऊपर क्यों चढ़ता है और कोई द्रव केश नली में नीचे क्यों उतरता है, अगर इसकी हम बात करें तो देखिए इसको समझाना बहुत ही आसान है, अगर एक बार समझ लेंगे आप तो कभी भी आपको भूलने वाला नहीं है। दरअसल क्या होता है, द्रव की सतह में, जो द्रव की सतह होती, जैसे द्रव की सतह यह है, तो द्रव की सतह में क्या होता है, यहां पर स्पर्श कोण होता है। अगर इस द्रव की सतह का जो स्पर्श कोण है यह थीटा एंगल है, अगर इस थीटा एंगल का जो मान है अगर वो 90 अंश से कम है तो द्रव क्या होगा, तो यहां जो द्रव है वो द्रव क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा और यह द्रव आपको भिगा सकता है, यह द्रव क्या होता है, आपको भिगा सकता है। तो अगर द्रव की सतह का जो स्पर्श कोण है वो 90 अंश से कम होगा तो यह द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेगा और आपको भिगा सकता है, ठीक है। जैसे कि पानी अभी है तो पानी आपको भिगा सकता है, इसका मतलब पानी केश नली में ऊपर चढ़ेगा। और अगर द्रव की सतह का जो स्पर्श कोण है अगर वो 90 अंश से अधिक हो तो वह द्रव केश नली में नीचे उतरेगा और ऐसा द्रव आपको भिगा नहीं सकता, जैसे कि पारा, ठीक है ना। जो पारा है, पारे की सतह का जो स्पर्श कोण होता है वो 90 अंश से अधिक होता है और ये पारा केश नली में नीचे उतरेगा और ये पारा आपको भिगा नहीं सकता। कल्पना कीजिए कि पारे की बरसात हो रही है, तो क्या पारे की बरसात में आप भीग जाएंगे, नहीं, बिल्कुल अभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन क्यों, अब ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि पारे की सतह का जो स्पर्श कोण है वो 90 अंश से अधिक है और ऐसा द्रव आपको भिगा नहीं सकता, और जल की सतह का स्पर्श कोण 90 अंश से कम है, ऐसा द्रव आपको भिगा सकता है,
तो आपको समझ में आ गया कौन सा द्रव ऊपर चढ़ता है और कौन सा नीचे उतरता है। अब यहां देखिए, यहां से बहुत सारे अनुप्रयोग आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर हम उन अनुप्रयोगों की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो पहला हमारा अनुप्रयोग है वो क्या कह रहा है। पहला अनुप्रयोग है कि टॉवल के द्वारा शरीर सुखाना, यानी हम लोग क्या करते हैं, नहाने के बाद टॉवल से अपने शरीर को, तौलिए से अपने शरीर को पोंछते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, जल्दी से सूख जाता है। वो होता यह है कि उस तौलिए के अंदर जो बहुत पतली पतली केश नलियां होती हैं, उस तौलिए के अंदर बहुत ही महीन महीन केश नलियां होती हैं और उन केश नलियों में द्रव क्या होता है, भर जाता है। वो केश नलियां हमारे बदन के द्रव को सोख लेती हैं तो वहां भी केशिकत्व होता है। लेकिन सपोज करिएगा कि अगर कोई टॉवल आपने 20 दिन इस्तेमाल नहीं किया, आपने लगातार उसको 20 दिन इस्तेमाल किया है, कोई टॉवल है उसको आपने क्या किया है, 20 दिन लगातार उसको उपयोग किया है, तो फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि वह टॉवल अच्छे से शरीर को सुखा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो मैल होता है शरीर का 20 दिन से उस टॉवल में घुस रहा है, जिससे उसकी केश नलियां बंद हो जाती हैं। जब केश नलियां बंद हो जाएंगी तो वह टॉवल सही से शरीर को सुखा नहीं सकता। लेकिन जब आप टॉवल को किसी धुलने वाले के यहां देते हैं तो वह धुल करके लाता है और तब इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे हां भाई ये तो बहुत अच्छे से शरीर को सुखा रहा है। तो टॉवल द्वारा शरीर को सुखाना, या हम कह सकते हैं लालटेन की बत्ती में या लैंप की बत्ती में या दीपक की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना होता यह है कि जो तेल की बत्ती हो, जो बत्ती होगी लालटेन की या जो बत्ती होती है लैंप की, वह बत्ती कपड़े की बनी होती है, उस बत्ती में हजारों पतली पतली केश नलियां होती हैं और वो केश नलियां क्या करती हैं, द्रव को यानी उस तेल को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो तेल के अणु के बीच क्या लगता है, सासंजक बल, और सासंजक बल के कारण वह अणु एक दूसरे अणु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इससे वह द्रव क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा स्याही का कपड़े पर फैल जाना। अच्छा, अगर मान लीजिए हमें, अगर हमारे कपड़े पर स्याही गिर गई है तो वह स्याही एक ही स्थान पर क्यों नहीं रहती, आखिर क्यों स्याही पूरे शरीर पर, पूरे कपड़े पर फैल जाती है, उसका भी एक कारण है। उसका कारण यह है कि उस कपड़े के रेशे के अंदर बहुत ही पतली पतली केश नलियां हैं जो खाली थी, जैसे ही स्याही गई यानी द्रव गया तुरंत उन केश नलियों में वह द्रव भरना शुरू हो गया, वह स्याही भरना शुरू हो गई, जिससे कि वह पूरे कपड़े पर फैल जाता है। ऐसे बहुत सारे यहां से अनुप्रयोग बनते हैं, जैसे ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही सोखना, ये सभी उदाहरण केशिकत्व के हैं। तो अनुप्रयोग आप ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। यहां से प्रश्न लगातार बने हुए हैं, यहां से क्वेश्चन लगातार पूछता है। तो दोस्तों, यहां तक हमने आज पढ़ा पृष्ठ तनाव और केशिकत्व, अगर आपको समझ में आया है तो अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जय हिंद।